और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि फ्रांस में जो आतंकी हमला हुआ है, फ्रांस के शहर नीस में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस बीच वहां के राष्ट्रपति देश को संबोधित भी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच वहां पर शांति की अपील की जा रही है, वहां के राष्ट्रपति लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बड़ा दिन फ्रांस के लिए, क्योंकि पेरिस में नेशनल डे परेड हो रहा था और फ्रांस के ही शहर नीस में ये आतंकी हमला हुआ है। हालांकि अभी तक ये आतंकी हमला है या नहीं, इसकी सूचना पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अब तक। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बिल्कुल उसी तरीके से बास्टिल डे परेड, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होता है वहाँ के लोगों के लिए, फ्रांस के नीस शहर में कई लोग वहाँ पर हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग जमा थे आतिशबाजी देखने के लिए, जब एक ट्रक जो है वो भीड़ के अंदर घुस गई और किलोमीटर्स तक लोगों को घसीटते हुए ले गई, जिसमें 80 लोगों की अब तक जो खबरें आ रही है, अब 80 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग, हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की और जख्मी इसमें हो सकते हैं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति संदेश दे रहे हैं लोगों को और शांति बनाए रखने की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि शांति बनाए रखें। हालांकि अभी तक जो फ्रांसीसी पुलिस है वो इस पूरी घटना को एक टेरर एंगल से भी देख रही है, पड़ताल कर रही है, लेकिन जो लोकल पुलिस है वो इसे एक लोकलाइज मामला, लोकल अटैक मान रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों फ्रांस जो है इस तरह की घटनाओं से काफी दहल गया है। 8 महीने पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 130 लोग मारे गए थे।